हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनोज एकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारे साथ एक बेहतरीन शख्स हैं जिनका नाम है अभिलाषा पांडे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इनसे रूबरू कराने वाला हूं और आप सभी को कुछ बेहतरीन टिप्स ये बताने वाली हैं। और पहले हम लोग इनसे इनके बारे में थोड़ा सा पूछ लेते हैं और बीच बीच में जो भी क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे वो सभी क्वेश्चन मैं इनसे पूछने वाला हूं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपका फ्रेंड सर्किल है, सब में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो अभिलाषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज एकेडमी में। थैंक यू सो मच सर, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आने का मौका दिया, जहां लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, वहां पे आके मैं कुछ ना कुछ बच्चों के लिए बताने का मुझे मौका मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए सर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप ये बताइए, अभी आपने जो एग्जाम दिया था सीटेट का, तो उसमें आपके नंबर कितने आए? सर उसमें 114 नंबर थे मेरे। वाह, 114 नंबर! सभी लोग क्लैपिंग करेंगे भाई इनके लिए। 114 नंबर जी ऑनलाइन पेपर में बहुत बड़ी बात मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कुछ बच्चे एक दो नंबर से रह जाते हैं। तो हम लोग सीटेट के बारे में ही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोगों को तैयारी करनी है। तो आप कहाँ से बिलोंग करती हैं अभिलाषा जी? सर, मैं मध्य प्रदेश में, जिला है सतना, वहां से हूँ। बेसिकली मैं गांव से हूँ, वहां पे गांव पड़ता है बिलहटा, तो वहीं पे रह के हम तैयारी करते हैं ऑनलाइन की। सर अच्छा, तो सीटेट पास करने के बाद आप कौन से क्षेत्र में, मतलब जाएंगे तो आप टीचर ही बनेंगे, लेकिन कौन सा टीचर बनना चाहती हैं आप? केवीएस में या डीटर प्रेसवी में या प्राइमरी स्कूल में जो यूपी में? मेरा ड्रीम तो केवीएस में ही है टीचर बनने का, और बाकी अभी देखती हूँ, जैसे जो भी अभी मिलेगा तो वो करूंगी, लेकिन ये है कि केवीएस में ही जाना है मुझे फाइनली। अच्छा, केवीएस में आपको जाना है। तो सर आपने सीटेट की तैयारी कैसे की, कैसे आपने इतना अच्छा स्कोर गेन किया? इस तैयारी के लिए ऐसा है कि सबसे पहले तुम्हारे पास सिलेबस होना चाहिए। हम जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी चीज का, सीटेट है, आप कोई भी है, जिस एग्जाम में आप जाना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले कि हमारे पास उस चीज का सिलेबस हो। कि ये इससे सिलेबस से क्या फायदा होता है कि हमें पता चलता है कि कौन से टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं, जो भी टॉपिक दिया है उससे पता चल जाता है। तो सिलेबस निकलवाने के बाद इसमें सिलेबस तो अहम रोल है। फिर दूसरी चीज इसमें ये रहता है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक है। जैसे मेरा सीटेट में था तो जैसे बाल विकास हो गया, तो बाल विकास में जैसे जीन पियाजे टॉपिक था, ठीक है, बाइगोत्सी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक थे। तो इससे ये था कि बाइगोत्सी से जो पिछले क्वेश्चन जो आए हुए थे प्रीवियस ईयर में, तो ये पता चलता था कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, तो ओके, वो टॉपिक हम ज्यादा उस पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक, और सर हो गया बाकी सभी सब्जेक्ट कैसे? तो आपने इंडिविजुअल पढ़ाई की थी सिलेबस निकाल के, या आपने कहीं पर कोचिंग की थी, या मैं कह सकता हूं कि कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग तो चल ही रही है आजकल, ऑफलाइन कोचिंग तो नहीं की आपने? नहीं, सर ऑफलाइन कोचिंग कोई नहीं किया। कुछ बुक्स थी मेरे पास, जैसे ईवीएस के लिए एनसीईआरटी था, उससे मैंने वीवीएस को कम वो किया, कंप्लीट किया, और बाकी ऑनलाइन ही किया था सर। आपके वीडियो भी काफी हेल्प किया मुझे ओके, तो गाय जी सर। देखिए, आप लोग देख सुन पा रहे हैं विलासा जी को, कुछ बच्चे सोचते हैं कि ऑनलाइन से एग्जाम क्रैक नहीं किया जा सकता, तो उन लोगों के लिए क्लियर है दोस्तों, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों से एग्जाम क्लियर किया जा सकता है, लेकिन मन में पढ़ने के लिए पूरी अभिलाषा होनी चाहिए, और नाम भी इनका अभिलाषा पांडे ही है, ठीक है? तो आप कितना घंटे पढ़ते थे, मतलब? सर घंटे का कुछ नहीं था ऐसा कि मुझे इतने घंटे पढ़ने ही हैं, बस ये था कि मैं जैसे सुबह उठती थी तो मेरा ये रूटीन रहता था कि मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, कोई भी है तो वो मैं लिख लेती थी उसको कॉपी में, और मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है। तो जब तक मैं उस टॉपिक को कंप्लीट नहीं करती थी, रात में कितना भी टाइम हो जाए, तो फिर मैं उसको बिना टॉपिक कंप्लीट किए बिना नहीं वो करती थी कि नेक्स्ट डे मैं उस टॉपिक को छोड़ दूं फिर दूसरा पढ़ने लगूं, ऐसा नहीं था मेरे साथ ओके, तो अभी आपने जी। बताया था मुझे थोड़ी देर पहले कि आपका जो नंबर है वो कांस्टेबल में भी आ गया है, तो क्या आप कांस्टेबल में करना चाहेंगे? अब देखती हूँ सर, मेरा सपना तो टीचर का ही है, पर कांस्टेबल का वैसे करूंगी नहीं मैं, मुझे टीचर ही बनना है सर।
ओके ओके, तो कॉन्स्टेबल बनने पर मतलब आपका जो जी सिलेक्शन हुआ है, इसके लिए मनोज एकेडमी टीम पूरी पूरी आप सभी को, आपको बहुत बहुत बधाई देती है। तो थैंक यू सो मच सर। अब मुझे ये बताइए, आप जो सीटेट किसी बच्चे को पास करना है, जैसे कि आपने बताया है यहाँ पे कि सबसे पहले सिलेबस को निकालना चाहिए, सिलेबस किस तरह से है वो देखना है हमको, लेकिन इसमें मान लीजिए कोई बच्चा आर्ट साइड से है, इंटर में उसने आर्ट लिया है, तो उसका सिलेबस जी क्या अलग होगा या साइंस वाले का अलग होगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए। नहीं सर, ये जैसे प्राइमरी स्कूल के लिए है तो प्राइमरी के लिए तो सबका सेम ही सिलेबस रहता है, सबका सेम रहेगा सीटेट में। जैसे इसमें सब्जेक्ट को हम देखें तो इसमें हिंदी रहेगा और ईबीएस हो गया ओके जी, थर्ड सब्जेक्ट आपका आएगा बाल विकास, और मैथ रहेगी जो नॉर्मल मैथ रहती है 5th क्लास तक के बच्चों के लिए, वही मैथ रहती है। और सेकंड लैंग्वेज में जो जैसे मेरा वो था संस्कृत था, ऐसे कुछ बच्चों का इंग्लिश जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, तो मेरा संस्कृत था। बस ये 5 सब्जेक्ट रहते हैं जो हमको कंप्लीट करने होते हैं। जूनियर अच्छा, प्राथमिक स्तर के लिए सबके लिए सेम रहता है, तो जूनियर में कैसा चेंज होता है उसमें? उस पे सर प्राइमरी के बाद जैसे हम अपर लेवल का इसमें करते हैं, सेकंड पेपर की बात कर रही हूँ मैं, तो सेकंड पेपर में क्या रहता है सर, उसमें जैसे मेरा सोशल साइंस था, मैं सोशल साइंस से सब्जेक्ट हूँ मेरा, ऐसे बच्चों का जो रहता है वो मैथ या फिर साइंस साइंस लेते हैं, तो मैथ और साइंस उनका साथ में रहेगा, तो सेकंड पेपर रहेगा मैथ और साइंस उनमें आएगा, जो कि 60 नंबर का रहता है। ठीक है। और और जी SST वालों का? SST वालों का मेरा वही सर, उसमें से पैडागॉजी के क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं और नॉर्मल सामाजिक विज्ञान जो इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो वो तो मेरा सर ऐसा था कि मैं PSC की तैयारी कर रही थी, उससे मेरा कंप्लीट हो गया रहा है, तो मैंने कुछ अलग ओके से तैयारी उसकी नहीं की थी, यही प्राइमरी लेवल का ही किया था, बाकी सब्जेक्ट तो सेम थे और सोशल साइंस का अलग था, तो PSC से मैं मेरा सभी वो कंप्लीट हो गया था पूरा। तो जैसे कि आपने बताया कि सेकंड पेपर में 60 नंबर का पेपर आता है, वो भी अलग अलग स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, है ना, साइंस और मैथ सेम आता है और SST आती है अर्ट वालों के लिए, है ना। तो अब मैं ये जी पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जनरल कैटेगरी में है या कोई बच्चा SC जी कैटेगरी में है, तो इनके लिए क्या रूल होते हैं, कितने नंबर का पेपर आता है, कितने घंटे होते हैं और कितने मार्क्स इनको लाने चाहिए जिससे कि वो क्लियर कर सके? जी सर, इसमें तो 150 नंबर, 150 का पेपर रहता है जिसमें से 90 नंबर पासिंग रहता है, तो 90 में सर अभी तक था कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम नहीं था, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं था तो ये था कि 90 नंबर हम ला लिए तो कंफर्म हो गया कि हम पास ही हैं। ठीक है, लेकिन अभी इस साल से ऐसा हो गया कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम कर दिया है, तो उसमें ये नहीं रहता कि हो सकता है कि आपके नंबर बढ़ भी जाएं पेपर के अकॉर्डिंग, जैसे पेपर टफ है तो उस दिन हो सकता है कि आपके नंबर 4-5 नंबर बढ़ जाएं, या फिर पेपर बहुत ज्यादा वो है इजी है तो नंबर कम हो सकते हैं, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमको तो 100+ ही होना चाहिए। ठीक तो ये तो है, जनरल तो कैटेगरी की बात है, तो बाकी लोग जो आरक्षित क्षेत्र से आते हैं उनके लिए? तो बाकी के लिए ओके, बता चलिए दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिएगा, जो भी साथी अगर आरक्षित क्षेत्र से आते हैं, चाहे आप लोग जनरल में हैं, अगर जनरल में आप दिव्यांग हैं, ठीक है, तो आपको 82 नंबर पासिंग चाहिए, और अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं तो भी आपको जो है 82 नंबर चाहिए। SC ST OBC, इसके लिए आपको 82 नंबर लाने हैं, ठीक है, 150 में से, और जनरल के लिए 90 नंबर होता है, ठीक। तो अभिलाषा जी, आप थोड़ा सा अपनी जी फैमिली के जी बारे में डिस्कस कर दीजिए। जी जी सर, मम्मी पापा भैया भाभी बच्चे सभी घर में हैं, पापा मेरे सब इंस्पेक्टर हैं नगर निगम में, गुड, और मम्मी जी हो गया हाउस वाइफ, भैया जॉब करते हैं, बिजनेस है भैया का सब्जी मंडी का बिजनेस है उनका, और 3 भाई भैया हैं और मैं छोटी हूँ, मैं ही बस बहन में हूँ, तो हो गया अब यही सर, मैं लगी हूँ इतने सालों से, तो मुझे यही है कि बस जॉब मिल जाए कोई अच्छी सी। ओके, तो बाकी फैमिली से जी जी कैसा सपोर्ट मिल रहा है अभी आपको पढ़ाई के लिए? सर, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, मम्मी पापा तो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अपने कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो जल्दी जल्दी इतनी लड़की ने पढ़ाई कर ली और उसकी शादी वादी करो और चलो, नहीं, ऐसा सोचते मैं हैं। सुनने में भी मिलता है सर कि अरे अभी तक पढ़ा रहे हो आप, शादी नहीं कर रहे हो, ये तो घर वाले यही बोलते कि नहीं उसका ड्रीम जो है तो वो उसका पूरा होना चाहिए, उसके बाद शादी करेंगे हम, तो घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, उसी वजह से सर मैं पढ़ पा रही हूँ, और ये नंबर जो है जो सब कुछ तो आपके आप लोग तो है ही सर, क्योंकि आपने तो बहुत सपोर्ट किया है,
पढ़ाई में, सब चीजों में, और घर वाले ने बहुत ज्यादा साथ दिया, इस वजह से मैं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ। चलिए बढ़िया, आप ना बढ़िया कीजिए। और बाकी बच्चों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहती हैं जो कि वो भी अपने गोल को अच्छे से अचीव कर सकें? अभी तो आपकी पहली पीढ़ी है, मतलब अपना पहला स्टेप आपने कर दिया है और कांस्टेबल में तो आपका हो ही गया है, वो तो आपके मन पर डिपेंड करता है कि करती हैं कि नहीं करती हैं उसको। तो बाकी बच्चे जी के लिए जी आप कुछ मैसेज छोटा सा देना चाहती हैं? सर, बाकी बच्चों के लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, स्वामी विवेकानंद जी का थोड़ा सा छोटा सा विचार है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो यही है सर कि आप कुछ भी करना चाहते हो तो तब तक लगे रहो जब तक आप उसको पूरा नहीं कर लोगे, क्योंकि आप अगर उसको पूरा नहीं कर पाए तो वो जिंदगी भर आपके मन में रहेगा कि मैंने अगर कुछ कर लिया होता तो आज मैं कुछ जो हूं उससे कहीं ज्यादा बेटर होता। तो अच्छा एक, हाँ बिल्कुल बढ़िया बताई आपने बात, लेकिन एक क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा बच्चों का, ये ज्यादा दिमाग में इनके चलता है कि सर पेड कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस पर आपके विचार क्या है? सर पेड कोचिंग में क्या रहता है कि ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम अगर चाहते हैं कि हम ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ठीक है, ऑनलाइन में थोड़ा ये रहता है कि आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो लाइव आपके सर से, ठीक है, जो टीचर सामने है तो आप पूछ लिए, जो आपको डाउट है कुछ चीज को लेके तो आपको उससे वो चीज थोड़ा फायदा हो जाती है कि हमसे कोई टॉपिक नहीं बन रहा, मैथ में मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, हम सॉल्व कर रहे हैं ऑफलाइन में घर में बैठे हुए, नहीं जा पा रहे हैं कोचिंग, घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा टाइम भी बचे और बहुत अच्छे से तैयारी भी हो जाए। कुछ लड़कियों के लिए जैसे गांव में लड़कियां हैं तो गांव की लड़कियां दूर नहीं जा सकती पढ़ाई के लिए, बिल्कुल नहीं भेजते घर वाले, कुछ दूर हो गया कोचिंग हो गई तो वो फिर नहीं कर पाती, उनकी पढ़ाई बंद हो जाती है। और पैड कोचिंग में ऐसा है सर कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो और टीचर सामने, टीचर से आप डाउट पूछ सकते हो, हर एक चीज आप कंफर्म करके अपना एग्जाम कंफर्म कर सकते हो, ये चीज फायदा हो जाता है उसका। बिल्कुल। तो जैसे कि अभिलाषा जी जी ने जी बताया कि अगर हम लोग ऑफलाइन कोचिंग करने जाते हैं तो सबसे पहली बात यह होती है कि आधा घंटे पहले हम लोगों को जाना है और आधा घंटा बाद में आना है, तो वहां पर टाइम वेस्ट जी होता है, ठीक है। और ऑनलाइन में क्या कर सकते हैं, आप एक वीडियो को 50 बार भी चला सकते हैं, उस पर आपका जी अधिकार होता है। और ऑफलाइन में एक बार जी देखा हमने, भूल गए तो भूल गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल अच्छे से चीजें कर सकता हूँ तो आपको पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे जो अभी टॉपिक हैं वो थोड़े से अच्छे नहीं बन रहे हैं, मुझे थ्योरी पढ़नी चाहिए, तो आपको ऐसे में पेड कोर्स भी लेने की आवश्यकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो किताबों का सिलेक्शन है वो बेटर होना चाहिए, किताबें बढ़िया हैं तो समझ लीजिए आपकी नॉलेज भी बढ़िया हो जाएगी, ठीक। बिल्कुल तो सर। बिल्कुल, तो अभिलाषा जी और सर आपके, जी इसका ये है पेड कोचिंग का कि जो घरेलू जो जिनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर वाले नहीं भेज रहे हैं पढ़ने के लिए या फिर वो काम की वजह से नहीं जा पा रही हैं, तो वो रिकॉर्डिंग भी देख सकती है कोई भी, जैसे यूट्यूब में ही है, यूट्यूब में कोई लेक्चर डाला हुआ है तो उसको वो स्पीड करके, जैसे टाइम नहीं बच रहा उनके पास तो स्पीड में जल्दी से देख सकती है और लिख सकती है, कभी भी दिन में जैसे सुबह बिजी है तो वो शाम को रिकॉर्डिंग देख सकती है। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में क्या है कि वो एक उनका टाइमिंग 10 बजे कोचिंग का है तो वो 10 बजे उनको पहुंचना चाहिए, उन्हें बिल्कुल नहीं पहुंच पाती तो फिर उनका लॉस हो जाता है और फिर वो चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मनोज एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मनोज एकेडमी सर, आपका तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला सर, मैंने हर टॉपिक वहां आपके उसमें से कंप्लीट ही किए हैं, ईबीएस के लिए तो बेसिकली बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट मिला, पूरी एनसीईआरटी सर मैंने आपकी वीडियो से ही कंप्लीट की है और बहुत अहम रोल रहा सर आपका, ये तो है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो बाकी बच्चे हैं वो भी आके इस प्लेटफॉर्म में या कहीं से भी तैयारी करते हैं, उनको जहाँ पे बेटर लगता है उससे वो तैयारी करें और अपने सपने को पूरा करें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो जी अभिलाषा जी ने आपको बता ही दिया है किस तरह से तैयारी करनी है, बाकी दोस्तों आप लोग अपने लक्ष्य के लिए आज से ही मजबूत स्थिति बना लीजिएगा कि हाँ हम लोगों को ये लक्ष्य प्राप्त करना ही है। तो थैंक यू सो मच अभिलाषा जी आपका मनोज एकेडमी में आने के जी लिए, थैंक यू, बाय। जी सर, थैंक यू सो मच।